ये मैं बोलने के लिए तरस गया था, ये व्लॉग इतने टाइम बाद आ रहा है। वी हैव वन आंटी विद अस। अमीर लोग देखे नहीं, भीख के भिखारी घर ले आ गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ये मैं बोलने के लिए तरस गया था, ये व्लॉग इतने टाइम बाद आ रहा है ना। बस ऑलमोस्ट 3-4 वीक हो गए कि मैं यूट्यूब पे ज़्यादातर शॉर्ट्स डाल रहा था, क्योंकि तो कहाँ गए, तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो इसलिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बेसिकली कुछ होता नहीं शूट करने के लिए, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ कॉलेज जा रहे हो, इसलिए मैंने एक दो शॉर्ट्स शूट कर ली थी जब मैं कॉलेज गया था। अगर जिसने नहीं देखी तो अभी जाके देखना, मेरे चैनल में मिल जाएगी। तो आज है मेरा बस लास्ट पेपर, आज है इंग्लिश का लास्ट पेपर। इसके बाद थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर व्लॉग लास्ट पाए। तो फटाफट पहले मैं ब्रेकफास्ट कर दूँ, क्योंकि टाइम भी होने वाला है, एग्ज़ाम का 9 बजे है, और तुम्हें पता है ये कॉलेज मेरा यहाँ से दूर है थोड़ा। तो फटाफट पहले खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। वी हैव वन आंटी विद अस। आंटी जी की चाल तो देखो। A few inches later. How was your paper, guys? How was? मेरे पेपर तो अच्छा गया, हमको नींद आ रही है। टॉप मारूंगा भाई मैं। तू? तो भाई डन विद द पेपर। आप लोग भी सोचोगे तुम पेपर से यहाँ कैसे? भाई यार पेपर हो गया था, वहाँ पे शूट करना भूल गया था मैं, तो बस आ गया यहाँ पे, और रास्ते में आते सारी दमन शक्ल तो दिखा दे अपनी। साले दे वेटर वाला काम, दमन द वेटर, कपड़े भी वेटर वाले दमन, इसको भी लोग में डाल दिए फिर तो। वेटर नहीं है, वकील है। ये देखिए वेटर, इसको जानते हो? ये वही मिनी व्लॉग वाला। ठीक है, मैं तो तेरे को व्यूज नहीं मिलते। तो गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, 720 सब्सक्राइबर। अमीर लोग देखे नहीं, भी के भिखारी पहले ही आ गए। तेरे कितने 720 है मेरे? तेरे तो उनसे ज्यादा ही है। वही बड़ा रे बजे आ गया, कई 100 रुपया किलो। तो भाई मेरी बात थोड़ी बीच में ही रह गई थी, क्या है ना थोड़ा ऑकवर्ड मूवमेंट हो गया था। अब मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। तो कॉलेज से पेपर हो गया खत्म, मैं आ रहा था घर। भाई साहब का फोन आया, कहाँ हो? आना ही था, देखो दोस्त के लिए तो जब मर्जी आना ही पड़ता है। तो आए तो मम्मी ने बता दिया, जाओ बेटा मंडी जाके सामान लेके आओ। देख इस कथाकथ में आज बार्गेनिंग स्किल्स देख ना तुम, भाई की मेरी तो है ही नहीं, वही देखना भाई की बार्गेनिंग। पूरी मंडी लगे, पूरी मंडी। भाई आप बताओ, आप कौन सी ज़्यादा अच्छी है बता। चलो आगे, एक्सपीरियंस लगता है, ऐसा लगता है रूह जाता है। चलो चलो चलो, जहाँ चाचे चलो। शिमला मिर्च 20 के? नहीं नहीं बच्ची। तो भाई अभी टाइम हो रहा है रात के 8 बज चुके हैं, और मैं कॉलेज वगैरह से आके दोस्त वगैरह को मिल बुला के घर आ गया बस। और जब से मैं आया सुबह से सो ही रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है पेपर के बाद कुछ रिलैक्स सा फील होता है ना, कि सारे पेपर अब खत्म हो गए, अब तो कुछ नहीं है, पूरा रिलैक्स फील है। 3-4 वैसे छुट्टियाँ 6 तक की है, पर मैं जाऊँगा 10 को, क्योंकि होली वगैरह है, तो मैं नहीं जाता मेरी यूनिफॉर्म ख़राब हो, या फिर मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कॉलेज से ऐसे भूत वगैरह बन के आने का। तो आज किचन में क्या बन रहा है मम्मी जी? हेलो बोल दो, काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रहा है। तो क्या बन रहा है आज? लगता तो अच्छा ही रहा है। इसके लिए मैं मम्मी को कब से डिमांड कर रहा था कि मुझे मम्मी चाप तो वैसे नॉर्मली अच्छी बनाते हैं जो सब्जी वगैरह होती है, मैंने कहा क्रिस्पी चाप भी बना के खिलाओ। क्रंची चाप, क्रिस्पी नहीं, क्रंची चाप। चलो सेम ही है, फर्क है। ठीक है, तो जब ये जैसी आता है मैं दिखाता हूँ। और आजकल आई नो थोड़े व्लॉग ऊपर नीचे आ रहे हैं, बट अब व्लॉग फटाफट अच्छे अच्छे आए करके जल्दी जल्दी, क्योंकि अब मेरे पेपर खत्म हो चुके हैं एंड होली भी आ रही है। होली का हमारा थोड़ा बहुत ऐसे प्लान सा भी है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओ ब्लर हो गया। हाँ एंड हियर इट इज,
हमारी चाप और ये हरी चटनी, देखने में सच्ची बता रहा बहुत टेस्टी लग रही है भाई। जोक्स असाइड बट ये ना इतनी ज़्यादा टेस्टी है, आपको मैं इसकी क्रंच सुनाता हूँ। देखो आई होप आपको सुन जो, बट इट वॉज सो डैम डिलीशियस भाई। अभी मैं इसको इन्जॉय कर लूँ, कोई नज़र नहीं लगाएगा सो देखिए, ठीक है पहले बता दूँ। सो दिस इज नेक्स्ट डे, हो गया भरोसा, अगला दिन नहीं है, रात को ही नहीं बोली जा रहा। तो कल रात को तो मैं बस खा हुआ यार के ज़्यादा कुछ खा लिया था, इसकी वजह से बैठते एकदम वैसे बेड पे लेटा और नींद आ गई, पता नहीं चला कहाँ गायब हो गया। तो बस इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। ये ब्लॉग मुझे पता थोड़ा ज़्यादा ही रो था, मैं ज़्यादा इसके अंदर कुछ एडिटिंग वगैरह भी नहीं करूँगा, इसको जस्ट कट कट करके फटाफट डाल दूँगा, क्योंकि मुझे बस ये ब्लॉग डालना है, इतने दिन हो गए डाला नहीं, तो कुछ डालना था तो डाल रहा हूँ। बट अब इसके बाद जो ब्लॉग्स आएंगे वो सारे अच्छे होएंगे और कंसिस्टेंस के साथ आएंगे, यानी अल्टरनेट डेज पे कोशिश करूँगा डालने की, वरना शॉर्ट तो डाल ही दूंगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।